जय भीम के बहुजन युवाओं से कहना चाहूंगा, भटके हुए मानसिक गुलाम युवाओं से कहना चाहूंगा, जातियों में बटे हुए नौजवानों से कहना चाहूंगा कि आज समय है, जाग जाइए, बाबा साहेब के सपनों को पहचान जाइए, बाबा साहेब के संघर्ष को पहचान जाइए, बाबा साहेब का क्या कारवा था उसे पहचान जाइए, वरना कल को बाबा साहेब के द्वारा बनाया गया संविधान खत्म समझो, तुम्हारे सारे अधिकार खत्म समझो, ये मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी खत्म समझो, जो लोग तुम्हें धूल समझते हैं तुम आंधी बंद कर उन्हें दिखाओ, अंबेडकर वादी बनो, मेहनत करो, संघर्ष करो और इतना आगे बढ़ो कि जो लोग तुम्हें आज पीछे करने की मंशा रखते हैं, जो लोग तुम्हें गुलाम बनाने की मंशा रखते हैं, वो लोग तुम्हें पीछे करते करते सोचते रह जाएं, लेकिन तुम्हें कभी पीछे ना कर पाए, लेकिन वो कब होगा, जब आप बाबा साहेब के कार्य को पहचानेंगे, जब आप बाबा साहेब के सपनों को पहचानेंगे, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे, वो जब होगा। बाबा साहेब कह के गए कि जो समाज अपने जीते जी, जो नौजवान अपने जीते जी अपने समाज के लिए नहीं सोचता, उसकी जिंदगी जीते जी मौत के बराबर है। आपकी जिम्मेदारी है कि बाबा साहेब आपके बीच बड़ी मुश्किलों से इस कार्य को लेकर आए। बाबा साहेब ने अपने चार चार बच्चों की कुर्बानियां दी, जब आपको ये मान सम्मान की जिंदगी मिल रही है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी बाबा साहेब के कार्य का हिस्सा बने, आप भी उस महापुरुष का नाम घर घर तक पहुंचा जिसने आपको मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी देने के लिए अपना जीवन नहीं देखा, अपना लोभ अपना लालच नहीं देखा। आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज समय है, आज समय है साथियों, जाग जाइए। ये सोता हुआ समाज अगर आज भी नहीं जागा, आपने जगाने का प्रयास नहीं किया, तो हमारे गले में फिर से हांडी और पीछे झाड़ू होगी, और क्या क्या होगा वो आपको सब पता है। इतिहास को पढ़िए कि आपका इतिहास क्या है। जाग जाइए, बहुजन नौजवानों के लिए कहना चाहूंगा खास करके, जाग जाइए साथियों, जाग जाइए, बाबा साहेब को घर घर तक पहुंचाइए, यह आपकी जिम्मेदारी है। और अपनी जिम्मेदारी से आप भागिएगा मत, क्योंकि अगर बाबा साहेब भी भाग गए होते, मान्यवर काशीराम साहब भी भाग गए होते, या वो बहुजन तमाम महापुरुष भाग गए होते, तो आज आप इतने मान सम्मान की जिंदगी नहीं जी रहे होते साथियों, नहीं जी रहे होते। आखिरी में युवाओं से कहना चाहूंगा कि जातियों में मत बटो यार, एकजुट हो जाओ, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी मिल, बहुजन समाज बन जाओ, और बाबा साहेब के तीन मंत्र शिक्षित संगठित संघर्ष को अपनाकर, कि बाबा साहेब के तीन मंत्र शिक्षित संगठित संघर्ष को अपनाकर इस देश के गुमनाम बन जाओ, इस देश के गुमनाम बन जाओ। क्योंकि माननीय काशीराम साहब कह के गए, हमारे आदर्श कह के गए कि जिनके हुक्मरान होते हैं, जिनकी सरकारें होती हैं, उनके साथ कभी अत्याचार नहीं होते। और अगर आप अपने ऊपर होने वाले अत्याचार उत्पीड़न को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, इस देश से जातिवाद को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आज ये मानसिकता बनी है, जिसकी वजह से आज ये अत्याचार इतने उत्पीड़न होते हैं, अगर आप उन्हें खत्म करना चाहते हो तो अपना हुक्मरान बनाना पड़ेगा साथी। और हुक्मरान जब तक नहीं बनता, जब तक आप एकजुट नहीं होते, जब तक सोया हुआ समाज एकजुट नहीं होगा, जब तक आपका हुक्मरान नहीं होगा। जय भीम।